इस वक्त हम हैं महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में। ठाणे महानगर पालिका के चुनाव 21 फरवरी के दिन रखे गए हैं और ठाणे बहुत बड़ा मराठी समाज का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पे जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना जैसी पार्टियों को काफ़ी मान दिया जाता है और कई लोग उन्हें मानते हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये मतदान की जो प्रक्रिया आ रही है उसमें, और किस तरह से वो अपने उम्मीदवार चुनेंगे, किस तरह से उम्मीदवारों की उनसे उम्मीदें हैं और क्या वो अपनी उम्मीदों पर खड़े उतर पाए हैं अब तक, और किस तरह से वो आगे इस मतदान की प्रक्रिया में जाएंगे। प्रचार प्रक्रिया चलते चलते हम पहुंचे हैं इधर प्रचार के बीच में। आप देख रहे हैं यहाँ पे शिवसेना के सचिन मात्रे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मी यादव और सुरेंद्र उपाध्याय जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है। आइए इन लोगों से एक एक करके जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं इनकी। सर, मुझे सबसे पहले बताइए कि अब किस तरह से आपकी प्रचार की प्रक्रिया चल रही है इधर। प्रचार की प्रक्रिया तो हम लोग की सही चल रही है। यहाँ पे जो वार्ड में जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे मैं 5 साल नगर सेवक भी रह चुका हूँ, मैंने यहाँ पे सुविधा की है, 24 घंटा पानी, बाथरूम, शौचालय, और यहाँ के जो हमारी जनता है उनका विश्वास है मेरे ऊपर। और यहाँ पे आने वाले समय में अभी जो पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, जो पहले मैंने 24 घंटा पानी यहाँ पे लाया था, आज के तारीख में यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, पब्लिक परेशान है। तो इस चुनाव माहौल में अभी जनता का जो मुझे आशीर्वाद है तो मुझे आशा है कि हम लोग यहाँ से बहुमत से, भारी मत से विजयी होंगे। तो ये देखा सचिन मात्रे जी कह रहे थे कि उन्हें बहुमत की आशा है। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मी जी से उनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइए कि अभी जो प्रचार आ रहा है, प्रचार की प्रक्रिया, इलेक्शन के लिए जो प्रचार कर रहे हैं आप, किस तरह से चल रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सर जी, प्रचार क्रिया हम लोग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, पब्लिक की समस्या क्या है वो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समस्या है हम लोग जाने, क्योंकि पब्लिक का यहाँ पे आप अगर देखेंगे, कैमरा अगर घुमा के आप देखोगे तो आपको सब समस्या का मिल जाएगी कि यहाँ पे समस्या क्या है। अंदर जाएंगे, अंदर भी आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे जो पहले के जो नगर सेवक लोग थे उन्होंने कितना काम किया, कैसे किया। यहाँ की जो जनता है वो जनता भी आपको बताएगी कि यहाँ के नगर सेवक जो पहले थे उन्होंने क्या क्या काम किया है। आज बागोबा नगर में, बिटावा से लेकर के बागोबा नगर तक जो पैनल 24 का हुआ है, वो 24 पैनल में आप अगर हर एक घर में तो नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा अंदाज में अगर आप जाएंगे और हर एक घर से पूछेंगे तो कोई ना कोई समस्या, छोटी मोटी समस्या नहीं, बड़ी समस्या है जो नगर सेवक लोग ने नहीं कर पाए हैं। स्थानिक लेवल पर काम है लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। सिर्फ नगर सेवक लोग हैं, नगर सेवकी का पद मिल जाता है, वो लोगों को सिर्फ गाड़ी और बंगले के सामने सिर्फ चार चार दिन भाग के जाने का, उनके दरवाज़ा खटखटाने का, वहाँ से फिर वापस आते हैं पब्लिक, बस यही समस्या रह गई है इन लोग की। तो हम लोग ने, हमको भारतीय जनता पार्टी ने, हम भी पद दिया हुआ है, हमें भी उम्मीदवारी दी हुई है, तो हम घर घर जाके सबसे वही कह रहे हैं कि एक बार विश्वास रखो, और हमारे जैसे नरेंद्र भाई मोदी और देवेंद्र जी जैसे काम कर रहे हैं उनके ही छत्र छाया में हम भी वैसा ही काम करेंगे। तो ये आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनका कहना है कि पहले के जो नगर सेवक रह चुके हैं उन्होंने काम नहीं किया है और ये काम करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि ये काम करेंगे। आइए जानते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कि उनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइए कि किस तरह से प्रचार की प्रक्रिया चल रही है आपकी। वाघोबा नगर एक 40 साल पुरानी बस्ती है, लेकिन आज भी यहाँ विकास नाम की और जो प्राथमिक सुविधाएं होती हैं, आज भी यहाँ प्राथमिक सुविधाओं का अभाव, आज भी यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ रास्ता नहीं, रास्ता सिर्फ ये जो मेन एक रास्ता है इसका विकास अवार्ड साहब, जो यहाँ के विधायक अवार्ड साहब हैं उन्होंने किया, यहाँ पानी नहीं है, गटर नहीं है, शौचालय के लिए आज 40 साल पुरानी बस्ती है, मुंबई महानगर पालिका के बगल में है, उसके बाद भी आज लोगों को शौचालय के लिए यहाँ बाहर जाना पड़ता है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि महानगर पालिका के बगल में होने के बाद भी आज शौचालय के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। लोग बोलते हैं 5 साल के पहले भी यहाँ जो नगर सेवक, तो उन्होंने क्या विकास किया? यहाँ लोगों का धंधा है पानी बेचना, लोगों की मेन राजनीति यहाँ पानी के ऊपर होती, पानी बेच के लोग अपना दुकान चलाते हैं और पानी पे ही यहाँ राजनीति करते हैं। लोगों को शौचालय नहीं, रास्ता नहीं, यहाँ राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकानों पर लोगों को गालियाँ दी जाती है, मारी जाती है, सब कौन लोग हैं, किसके लोग हैं? यहाँ लोगों को विकास चाहिए, यहाँ लोगों को भाई नहीं चाहिए। तो विकास के लिए यहाँ अगर लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो चारों उम्मीदवार हैं एक्सपीरियंस वाले हैं, शिक्षित हैं, मनीषा सालवी हैं जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, लोगों को काफ़ी अच्छा, उन्होंने नगर का विकास किया है, विकास करना है तो लोगों को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोगों को विकास के लिए यहाँ साथ में खड़ी है। यहाँ लोगों का काम है, जो पर दिन यहाँ 10 झोपड़े बनाने का, बेचने का, यही यहाँ लोगों का धंधा है। लोग बोलते हैं पानी हमने दिया, अरे पानी तुमने दिया तो पानी बेचा किसने? ये सब यहाँ की प्राथमिक सुविधाएं हैं जो यहाँ आज भी प्राथमिक सुविधाओं के लिए लोग वंचित रह रहे हैं। तो ये देखा आपने, आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक तरह से कहा जा रहा है कि एक पार्टी कह रही है कि दूसरी पार्टी काम नहीं कर रही है, वो कह रहे हैं खुद आके काम करेंगे। आइए जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है।
भाई आप मुझे बताइए कितने साल से आप इधर रहे? मैं तो यहाँ पे 96 से हूँ। मैं हाँ। मेरा जन्म ही यहाँ हुआ और मैं यहाँ से स्कूल कॉलेज सब कुछ किया। 2007 में सचिन मात्रे जी ने ऐसा काम किया, जब वो छून के आए थे तो यहाँ पर चलने के लिए रास्ता नहीं होता था, बाथरूम नहीं होता था, पानी के लिए हमें डब्बा लेके मुकुंद गेट जाना पड़ता था। लेकिन जब सचिन जी बसपा के चुनाव पे 2007 से लेकर 2012 तक चुन के आए, उसके बाद उन्होंने हमें पहली हमारी सुविधा थी पानी, जो 24 घंटे पानी हमें सुविधा दिया। उसके बाद था शौचालय, हमें हमारे माँ बहन को पटरी पर जाना पड़ता था बाथरूम के लिए, जहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट हो जाते थे। लेकिन ऐसे बहुत जाने माता बहनों ने गवाही हैं। लेकिन सचिन भाई जब नगर सेवक बन के आए पहली बार 2007 में, उनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक चला, लोगों को बाथरूम जाने के लिए आप ऐसे देखेंगे वागोबा नगर से लेके आनंद नगर से लेके भोला नगर से कम 5 से 6 बाथरूम बने हैं जो सचिन भाई के कार्यकाल में है। लेकिन पिछला कार्यकाल जो था 2012 से लेके 2017 तक, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल था। वहाँ पर 5 साल जनता ने उन्हें मत दे के चुन के लाया था। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक थे यहाँ पे। लेकिन 2012 से लेकर 2017 में यहाँ पे ऐसी कोई काम नहीं दिखता कि जो दोबारा जनता उन पर विश्वास करे कि उन्हें मत देना चाहिए। तो हमारा एक बार हम जनता का यही समर्थन है कि हम फिर से इस बार 2017 में सचिन जयराज मात्रे के साथ में, जो पैनल में तीनों उम्मीदवार है, अविनाश प्रियंका अविनाश पाटिल, तितिक्षा मात्रे और सचिन जयराज मात्रे और पूजा का। तो ये देखा आपने, पहला आरोप लग गया है एनसीबी पर। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से डिफेंड करेंगे। सर अब आपने सुना जनता क्या कह रही है, इस पे आपका क्या कहना है? 5 साल यहाँ जो राष्ट्रवादी के नगर सेवक थे, 5 साल के पहले भी तो यहाँ नगर सेवक थे, 40 साल पुरानी बस्ती थी, 40 साल में क्या हुआ? यहाँ लोग बोलते हैं यहाँ लोगों को 24 घंटा पानी मिलता है, यहाँ 15-15 दिन लोगों को पानी नहीं मिला हो। यहाँ पानी बेचना ही लोगों का काम है, शौचालय के लिए आज भी लोगों को बाहर जाना, अगर शौचालय बन गया तो फिर शौचालय के लिए लोगों को आज बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? यहाँ आए दिन लोगों घर 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 में ताला लगा के घर बेच देते, क्यों ये सब समस्याएं यहाँ? अगर जब समस्याएं यहाँ खत्म हो चुकी तो समस्याएं हैं कहाँ से? ऑडियंस है, इनसे भी आप ओपिनियन लीजिए जी। तो ये देखा आपने, अपने आप को डिफेंड कर रहे थे एनसीपी के जो नेता है। आइए भारतीय जनता पार्टी के नेता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर एक तरफ आरोप लग रहे हैं एनसीपी पर, एक तरफ कहा जा रहा है शिवसेना काम कर रही है, इस बार आप भी उतरे हैं, तो आपका इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि काम पूरा होगा नहीं होगा, या आप इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ले पाएंगे? सर मैं एक्सपीरियंस वाला नहीं हूँ, मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमें उम्मीदवारी, हमारे चारों जो खड़े हैं मैदान में दिग्गज लोग, हमारे सामने दिग्गज लोग हैं जो 10-10, 15-15 साल के नगर सेवक रह चुके हैं। हम पहली बार, हमको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव दिया है, हम भी सामान्य हैं, हम भी 10 बाई 22 के रूम में रहते हैं, हम भी 40 में रहते हैं। हमको जो समस्या होती है वो हमको पता है, यहाँ पे जो 40 वाले जो हैं उनकी समस्या हम जानते हैं कि बाबा ये समस्या हमने महसूस किया है। हम भी 4-4 घंटा पानी की लाइन में खड़े रहे हैं, हम भी लाइट के लिए झगड़ा किए हैं, हम भी लाइट के लिए 24 घंटा 2-2 दिन बिना लाइट के गुजारे हैं, पानी के लिए लाइन में खड़े रहे। तो जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि एक्सपीरियंस वाले लोग अपना दिखाते हैं कि बाबा मेरा एक्सपीरियंस इतना है, लेकिन काम कितना होता है? एक्सपीरियंस के हिसाब से काम भी होना चाहिए ना। अगर जो सीनियर है सीनियर के हिसाब से वो अपना काम दिखाए, अगर काम नहीं दिखा पाता है तो हक नहीं उसको वोट मांगने का। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि काम नहीं दिखा है, लेकिन काम करने वाले सचिन मात्रे है जैसे जनता ने कहा। तो आइए सचिन मात्रे जी से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर मुझे बताइए कि आपने देखा दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप आए हैं, तो उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? कैसे आरोप, तो प्रत्यारोप चलते रहते हैं इलेक्शंस में। यहाँ पे जैसे जनता ने बताया, मैंने जो 5 साल यहाँ पे जो काम किया है कि पानी की सुविधा, बाथरूम, संडा, जो भी कुछ यहाँ पे काम है, इवन यहाँ के पुलिस स्टेशन से लेके प्रशासन से लेके हॉस्पिटल तक हम लोग यहाँ पे 24 घंटा रहते। मेरे पिताजी के 25 साल यहाँ पे उन्होंने अपना 25 साल दिए वागोबा नगर की जनता के लिए। मैं 10 साल खुद यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। और अभी जो यहाँ की परेशानी है पानी की, जो पानी मैंने पटरी के नीचे से लाया था, एक सांसद का काम मैंने वो टाइम पे नगर सेवक था तो मैंने करके दिखाया। अभी यहाँ पे बहुत भारी परेशानी है पानी की। अभी जनता को विश्वास है कि सचिन मात्रे आएगा तो फिर पानी आएगा। और रही दूसरी बात, यहाँ पे कोई जैसे अभी बोल रहे कि ये गुनेगार है, गुंडा है, अगर मेरे माँ बहन के अगर आंचल पे अगर कोई हाथ लगे तो मैं शांत नहीं बैठ सकता हूँ। अगर ये मैं गुनाह किया रहूँगा तो हाँ मैं गुनेगार हूँ। मैंने मेरे ऊपर तो चीटिंग के केस नहीं है ना, 420 के केस नहीं है ना, जैसे अलग प्रत्याशियों के उनके पास है। आप निवडणूक आयोग में PDF फाइल चेक करो, इनके ऊपर फ्रॉडिंग के केस है, 420 के केस है, उनके पास गुनहगार लोग हैं। अगर मेरी जनता यहाँ पे है उनसे आप राय ले सकते हैं।
तो ये देखा आपने, शिवसेना की जो पार्टी है वो कह रही है कि दूसरे लोगों पर आरोप है, दूसरे लोगों पर कुछ केस चल रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें चुनना सही होगा कि नहीं? आइए और लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। मैडम जी, आप मुझे बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे रह रही है? 24-25 साल से रह रही हूँ। 24-25 साल से। अच्छा, मुझे बताइए इतने सालों में आपको किस तरह की परेशानियाँ आई है? परेशानियाँ यहाँ बहुत आई है, सड़क की परेशानी है, पानी की परेशानी है, बाथरूम की परेशानी है, बहुत परेशानी है। दूसरे तीसरे दिन रोड लाइट जलता था, यहाँ ट्रांसफार्मर बैठा था ना, दूसरे तीसरे दिन रात को 11-12 बजता था, आग लगती थी, बहुत डर लगता था। जब से आवर साहब ने ट्रांसफार्मर वहाँ बैठा है तब से लाइट की प्रॉब्लम समाप्त हुई है। सड़क यावर साहब ने बनवाए हैं, जो रोड बना है अवर साहब बना है। पानी की समस्या भी बहुत थी, और पानी की समस्या हम लोग ठीक है, कोई पानी की कमी नहीं हम लोग की है। जो यहाँ पहले से और बाथरूम, बाथरूम आप लोग देख लीजिए जाके, बाथरूम बनते 5-10 साल हो जाएगा, जाके आप लोग देख लिए, 50 रुपया लिया जाता है। हर दरवाजा शर्ट लादी टाइल्स सब टूटा फूटा, सब टूटा फूटा है। बाथरूम थोड़ा भी सही नहीं, कुछ कंडीशन एकदम खराब है। कल को कुछ भी हो सकता है, बाथरूम का कंडीशन ऐसा है कि कोई अगर दब के गिर भी जाए उसकी मौत भी हो सकती है। और जो रोड आज अच्छा अच्छा खासा आज है, सब राष्ट्रवादी की बदौलत है, जितेंद्र रावत की बदौलत है, जो हम अच्छे से आज चल रहे। वरना पहले ऐसा कंडीशन था यहाँ पे चलना, क्या गाड़ी के बच्चे भी चले तो गिर सकते थे, ऐसा कंडीशन था। पानी अभी जो आ रहा है राष्ट्रवादी की बदौलत आ रही है, वरना पहले ऐसा था कि 12-12 दिन पानी नहीं, रात रात को 2 बजे उठो तो कहीं चोरी से कहीं दूसरे के दरवाजे पे जाओ पानी भरने के लिए, अगर सामने वाला उठ जाए तो 4 बात सुना देता था हमें। जो आज कुछ है हमारे पास सब राष्ट्रवादी की बदौलत है, उनकी वजह से ही सब कुछ आज अच्छा है। लेकिन अब तो बीजेपी पहली बार उम्मीदवारी में आई है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी से कुछ उम्मीदें हैं आपकी? हमें तो सिर्फ राष्ट्रवादी से उम्मीद है, क्योंकि जितेंद्र रावत की बदौलत पहले से अच्छा बन रहा है, आगे भी अगर वो आएंगे राष्ट्रवादी की, आज कल को चुनाव में अगर राष्ट्रवादी जीत रही है तो आगे की तरह आगे के टाइम में राष्ट्रवादी बहुत अच्छा करेगी। अगर उनकी डर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जो पहले था अभी भी है, लेकिन राष्ट्रवादी अगर आ जाए, चुन आ जाए, चुन अगर राष्ट्रवादी आ जाए तो डर तो बिल्कुल नहीं। तो ये आपने देखा कि एनसीपी एक तरह से एनसीपी की तारीफ हो रही है, कहा जा रहा है एनसीपी ने लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। आइए भारतीय जनता पार्टी के नेता जी से जानते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। सर, आप देख रहे हैं पहली बार आप इलेक्शन में हैं, आपके साथ आपके लोग हैं, तो अब आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोगों ने काम किया है, इन लोगों ने काम किया है, आपको मौका नहीं मिला है, तो इस पर आपका क्या कहना है? काम ये लोग ने किया है, लेकिन काम दिखा कहाँ है? अच्छा, पब्लिक से पूछिए काम दिखा कहाँ है? आज तक जो पॉलिटिक्स हुई है, आज तक पॉलिटिक्स हुई है यहाँ पे, अगर बागोबा नगर, भास्कर नगर उस साइड पड़ता है, बागोबा नगर में पूछ लीजिए या नीचे जाके देख लीजिए, तो यहाँ पे जो राजनीति हुई है वो सिर्फ पानी, लाइट, बाथरूम यही चली है, यही चाहिए पब्लिक को, यही चाहिए ना। तो लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमने काम किया, तो जब काम किया तो पब्लिक खुद ही लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे संडास नहीं है, बाथरूम नहीं है, हमारी माँ बहन यहाँ वहाँ जाती है, मतलब आउटसाइड पे छेड़छाड़ होती है। तो जब तुम्हारा नगर सेवक था 10-5 साल तुम्हारा नगर सेवक था, बीजेपी का तो नगर सेवक अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है, बरोबर है, यहाँ पे सेना और राष्ट्रवादी का ही नगर सेवक हुआ है, तो वो काम है कहाँ? अगर काम रहता तो पब्लिक नहीं बोलती थी, खुद ये लोग काम करते नहीं है और बोलते हैं कि हमने काम हुआ नहीं है या होता नहीं है, तो खुद करने का और खुद बोलने का कि काम हुआ नहीं है तो वो गलत बात हो जाती है। पब्लिक आज की मूर्ख नहीं है, पब्लिक जाग चुकी है, नरेंद्र भाई मोदी सबको जगा चुके हैं, मैं तो यही बोलूँगा, देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी सबको जगा चुके हैं कि भाइयों जागो और अपना अपना हक मांगो। जो नगर सेवक बोलते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ बोलते हैं, BMW में घूमेंगे, इनोवा में घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। नगर सेवक बनने के बाद कोई आके पूछा है कि आओ यहाँ पे पानी है? कोई आके पूछा है कि भाई कोई मर जाता है तो कोई आके पूछिए यही पब्लिक से पूछिए कि भाई नगर सेवक बनने के बाद यहाँ तक कोई आता है? नहीं आता है। मैं यही, यहाँ पे जितनी जनता है, मैं सब लोग से यही बात बोलता हूँ कि एक गरीब अगर खड़ा हुआ है, मैं भी गरीब हूँ, मैं न्यूज के सामने, दुनिया के सामने मैं बता रहा हूँ, हम 10-12 के रूम में रहते हैं, हमारी जो समस्या है हम सबकी समस्या को हम जानते हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, हमको सक्षम से उम्मीदवारी दिया है,
जनता से पूछो, मैं बोलता हूँ जनता से पूछो, लेकिन ऐसे लोग से मत पूछो जो एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता बाहर से पूछो, बाहर से पूछो। ठीक है, आइए इनसे पूछते हैं। सर क्या सवाल है आपके? मेरा सवाल किसी से कुछ नहीं है, मेरा सवाल है विकास के विषय में जो बातचीत चल रही है, राजनीति चल रही है। जरा आप लोग शांत रहे। जो विकास के विषय में राजनीति चल रही है, बागोबा नगर, भास्कर नगर, पूर्व कलवा मुम्बरा विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। आज कलवा मुम्बरा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से हमारा आमदार माननीय जितेंद्र आहवाड़ साहब ने काम करके दिया है, आप स्टेशन जाके देख लीजिए, मुम्बरा स्टेशन जाके देख लीजिए। ये बागोबा नगर का जो रोड है, माननीय जितेंद्र आहवाड़ साहब ने 8.5 करोड़ रुपया पास करके ये रोड का काम किया है। और जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, पहले ऐसे चलने को नहीं मिलता था। लेकिन अब लोग यहाँ पे, दूसरे लोग तो कह रहे हैं कि शिवसेना ने भी काम किए हैं, एनसीपी ने भी काम किए हैं, दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को बता रही है काम किए, दोनों पार्टियों के एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए, तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि वो पहली बार खड़े हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जिस तरह से हम कहते हैं कौन काम किया कौन नहीं काम किया, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर शिवसेना वालों ने नहीं काम किया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर राष्ट्रवादी वालों ने काम किया है, जो जिसके पक्ष वाले रहे वही बात करेंगे। लेकिन जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले इसके पहले उम्मीदवार जब पहली बार गणेश सालवी साहब थे और सुरेखा खातू लड़े थे चुनाव मिलकर, उस समय की बात है, उस समय की बात है, बीजेपी यहाँ थोड़ा मजबूत हुई। इसके बाद सब भागम भाग चालू हो जाता है, कोई किधर भागता है कोई किधर भागता है। बीजेपी का आज अस्तित्व गिराने वाले यही इन्हीं के नेता है। लेकिन अगर बीजेपी को गिराया गया है तो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है वो इधर से चुन के क्यों नहीं आए? अब तो शिवसेना है इधर पावर में, तो उस पे आपका क्या कहना है? ये तो समय बताएगा कौन पावर में है। मेरा कहने का इसके पहले जो नगर सेवक थे वो तो शिवसेना के थे ना? नहीं नहीं, इसके पहले राष्ट्रवादी के नगर सेवक, राष्ट्रवादी के ही थे। तो आपका कहना है कि शिवसेना यहाँ पे नहीं टिक पाती है? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा किसी का टिकने न टिकने के बाद। इसका आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं करना चाहता। जो विकास का काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, पब्लिक उसका नाम लेगा। आज पब्लिक जिसका नाम ले रही है, अगर कोई काम अच्छा किया उसका ही नाम लेगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि यहाँ को जो जितेंद्र आहवाड़ साहब आमदार हैं प्रेजेंट टाइम में, आपने देखा पिछली बार जितेंद्र आहवाड़ साहब ने 15,000 से मत से चुन के आए थे, 15,500 से। लेकिन इस बार इलेक्शन में वो 50,000 की लीड देकर आए, मतलब उन्होंने काम किया था। अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो कोई पब्लिक उनको 50,000 से लीड देके चुनकर नहीं देती थी। तो ये आपने देखा, लोग कह रहे हैं कि एनसीपी को इधर एनसीपी बाजी मार सकती है, लेकिन शिवसेना के जो है कैंडिडेट इनसे जानते हैं, इनका क्या कहना है? सर इस बात पे आपका क्या कहना है? आप देख रहे हैं लोग काफी एनसीपी की तारीफें कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला मैं बोलना चाहता हूँ, अगर राष्ट्रवादी के नगर सेवक यहाँ पे थे, उन्होंने बोले काम किया तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया? अगर काम किया है तो टिकट क्यों नहीं दिया? मेरे 5 साल में कार्यकाल में, मैं मुंह से नहीं, मैं एविडेंस दिखाऊंगा आपको। ये जो आप देख रहे पटरी, यहाँ पे देखना, ये पटरी के नीचे से 12 इंची का पाइपलाइन डाला, ये मैदान में ट्रांसफार्मर लगा, ये मेरे कार्यकाल में हुआ। इसके बाद ये देखो, ये पानी की टाँकी 50,000 लीटर की, ये मैंने बनवाया। ये नल जिस दिन पानी आया ना, ये यहाँ से जो मैंने पाइपलाइन डाली ना, ये देखो उसका सबूत। उसके बाद ये बाथरूम की पहली ये हालत थी, अभी ये देखो, ये दिख रहा है ठाकुर पाड़ा, गायकर मैदान, साईं बाबा चाल के पीछे, सचिन मात्रे के, यहाँ के रास्ते पहले ऐसे थे, बाद में देखो ऐसे हो गए। तो सचिन मात्रे का यहाँ पे कहना है कि उन्होंने विकास लाया है और उनके पास एक प्रूफ भी है। आइए इस बात पर जानते हैं कि शिव जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है। ठीक है, पहले हम भारतीय जनता पार्टी से जानते हैं। सर बताइए। एक मिनट सर, शिवसेना बोल रही है, शिवसेना बोल रही है कि मैंने पानी लाया, मैंने बाथरूम बनवाया, सब ने किया है। मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं किया है, किया रहेंगे अपने कार्यकाल में, किया रहेंगे। अगर उस समय वो कार्यकाल में किए रहेंगे तो दूसरी चुनाव में वो गिरे नहीं रहते, ये पहला मुद्दा है। अगर शिवसेना काम करती तो 2 बार गिरती नहीं यहाँ पे। और जो पानी उन्होंने लाया है, पानी लाया है, गरीबों की समस्या सॉल्व किया है, मैं ये बात को मैं उस समय नहीं था, मैं देखा भी नहीं था कि वो लाए थे क्या नहीं लाए थे। लेकिन वो मोटर, एक मिनट, मोटर उस समय जब निकाल
पानी आता था, लेकिन बाद में वही नगर सेवक लोग ने जब गिरने के बाद पब्लिक का पूरा वाट लगा दिया, वाट मतलब पूरा पानी का सत्यानाश कर दिया। ना तो पंप, ये जो बोलते हैं क्या मोटर, वो मोटर निकलवा ली है। आदमी लोग को धमकी देते हैं कि वोट नहीं दोगे तो तुमको पानी नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी समस्या होती है, भ्रष्टाचार है इन लोग में, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है। बाकी का जो यहाँ पे पहाड़ी एरिया में जो बेचते हैं वो बेचने का काम चलता है। गरीबों से अगर घर का काम चालू रहेगा तो 5-10 हज़ार रुपया लोग वसूलते हैं। ये यहाँ पे सेना और राष्ट्रवादी लोगों का, यहाँ पे राष्ट्रवादी और सेना का एकदम बोलेगा तो सिर्फ भाईगिरी और गुंडागर्दी चालू है। भारतीय जनता पार्टी, मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ यहाँ के बागोबा नगर से, भाइयों बहनों से मैं विनती करके, यही कृपा करके यही चाहूँगा कि इनको सबक सिखाने की बारी आ गई है। जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं, बागोबा नगर में भी कमल खिलेगा और बीजेपी का डंका बजेगा, और सेना और राष्ट्रवादी के जो भी यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं या जो भी नगर सेवक लोगों ने काम नहीं किया है, एक एक पैसे का हिसाब भारतीय जनता पार्टी उनसे लेगी और ये पब्लिक को खुल के दिखाएगी। और पब्लिक को हिसाब हम सामने सामने पब्लिक से हिसाब करेंगे कि भाई हमको बोलो, हम चाली में रहते हैं, हमारे पास आओ, हमारे पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, हम पैदल घूमते हैं, हमारे घर पे आओ, दरवाज़ा खटखटाओ, लक्ष्मीकांत यादव आपको 24 घंटा कहीं पे भी मिलेंगे। हम बंगले वाले नहीं हैं, हम गाड़ी वाले नहीं हैं, यहाँ की जनता के गुलाम हम राजनीति कर रहे हैं। अगर हम राजनीति करने बैठे हैं यहाँ पे, हमको जो भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमें एक मौका दिया है तो वो मौका हम यहाँ की जनता से मांग रहे हैं कि वो मौका भारतीय जनता पार्टी के नए जो एक उम्मीदवार हैं, हमारे जो चार नए उम्मीदवार हैं, सबको एक चांस दीजिए। सबको आप लोग ने देख लिया यहाँ पे, सब हमारा एक ही मुद्दा है नरेंद्र भाई मोदी का, सबका साथ सबका विकास। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गुंडागर्दी होती है और पानी की जो परेशानियाँ हैं वो पूरी नहीं होती है। तो आइए जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है इनके नेता से जानते हैं, इनके जो उम्मीदवार हैं उनसे जानते हैं कि इस आरोप पर उनका क्या कहना है। सर, आरोप लगाए गए हैं कि गुंडागर्दी चल रही है आपके राज्य में और पानी की अभी तक समस्या पूरी नहीं हुई है, और शिवसेना का कहना है कि उन्होंने शौचालय बनवाए हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? गुंडागिरी, ये तो मैंने पहले टॉपिक में बोला, यहाँ गुंडागिरी कितनी बड़ी है। और रही बात पैम्पलेट दिखाने से, अगर एरिया का विकास होता हो तो आप विकास यहाँ कितना हुआ आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ गटर की ऐसी समस्या है कि लोग वहाँ रह रहे हैं गटर के सामने मजबूरन, जो कि वहाँ आदमी चल नहीं सकता है। यहाँ आप जहाँ खड़े हो सामने दारू के अड्डे हैं, तो यहाँ विकास नाम की यहाँ कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ जहाँ आप सामने, यहाँ सिर्फ लोग पानी, गटर, शौचालय पे राजनीति करते हैं, उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ अगर किसी की मौत हो जाती है तो शमशान भूमि में जाने के लिए 4 किलोमीटर तक लोगों को लेके जाना पड़ता है, 3-3 रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ आए दिन चोरी होती रहती है, यहाँ पुलिस चौकी की व्यवस्था है। यहाँ आपस में लोग राजनीति कर रहे हैं लेकिन विकास के नाम पर कोई इस बारे में विचार करता नहीं। सिर्फ पानी के ऊपर, शौचालय के ऊपर यहाँ राजनीति हो रही है। शौचालय है तो शौचालय का लोग पैसा लेते हैं, आप भी जानते हो कहीं शौचालय का पैसा कोई लेता नहीं, लेकिन आम यहाँ शौचालय जाना है तो भी पैसा चाहिए, पानी चाहिए तो भी पैसा चाहिए। गटर, यहाँ गटर और ऐसे यहाँ गटर की ऐसी समस्या है, वहाँ 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते और वहाँ लोग मजबूरन अपना पूरा दिन बिताते हैं और यहाँ रहने के लिए मजबूर है। यहाँ शमशान भूमि नहीं, यहाँ आए दिन चोरी होती, यहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ की समस्याएं बहुत है, लेकिन लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और लोगों के विकास के बारे में यहाँ कोई सोच नहीं। सिर्फ एक पानी का मुद्दा खड़ा करके राजनीति करने का इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो होती है जिसे कहते हैं वो यहाँ होता है। यहाँ विकास के बारे में कोई भी सोचता नहीं, लोग आने का, अपनी दुकान चलाने का, बस यही एक यहाँ का धंधा है। अच्छा, एक मिनट मैडम, अब सब पार्टियों को अलग रख के एक विषय में मुझे आपसे सवाल पूछना है। मुझे आप ये बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे रह रही है? 10 साल से। 10 साल से, तो इन 10 सालों में आपको इधर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? हमें पॉलिटिकल लाइन से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आम पब्लिक की है, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मेन है पुलिस स्टेशन 3rd क्लास। अच्छा, पुलिस अधिकारी पूरा हमको चेंज चाहिए। अच्छा। हमको पुलिस अधिकारी यहाँ का चाहिए ही नहीं। बाकी जो लीडर्स है, बिकॉज हम लोग बैलेंस करते हैं, वी डोंट से दिस पर्सन और दैट पर्सन, वी नीड ऑल द पर्सन इन ऑल द कैटेगरीज, इन ऑल द लेवल एवरीवन इज परफेक्ट, एवरीवन इज नंबर वन। वी कैनॉट से दिस पर्सन इज फेक और दिस पर्सन इज फेक। आई नीड ऑल द पर्सन बिकॉज आई एम इन वागोबा नगर वन मैन शो। अकेला फाइट करती हूँ, अकेला जाती हूँ, कोई नेता का सपोर्ट नहीं लेता है, ना सचिन का, ना अपना अक्षय का, ना किसी का नहीं। मैं अकेला जाती हूँ यहाँ का मैटर, मैं अकेला लेके पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन 3rd क्लास, थाना कलवा पुलिस स्टेशन 3rd क्लास,
उसको हटाओ, हमको अच्छा अधिकारी चाहिए। हम नेता लोग से निपट लेंगे, हम लोग नेता लोग आपस में बैठ के मीटिंग करके बात करके जो भी अंदर ऊंच नीच होते हैं हम वो सेटलमेंट कर लेंगे, उतना पावर हम लोग रखते हैं। एक मिनट, विकास का यू डोंट स्पीक इन द मिडल। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है मुद्दे के ऊपर से प्रश्न उठ रहे हैं का एक तरफा एक पार्टी कह रही है कि यहाँ पे मुद्दा विकास है और दूसरी पार्टी कह रही है कि यहाँ के पुलिस अधिकारी सही नहीं है। लेकिन पुलिस अधिकारियों को सही करना किसका काम है? जनता को अगर ये सब दिक्कतें हो रही है तो आइए जानते हैं कि बाकी पार्टियों का इस पर क्या कहना है। महिलाओं से जानते हैं कि इनकी क्या परेशानी है। मैडम जी मुझे बताइए आप इधर कितने सालों से रह रही है? यहाँ हम लोग सन नवासी से रह रही हूँ। हमारा लोग का पानी का बहुत परेशानी था क्योंकि हम लोग ये पहाड़ से पानी लाती थी, बौड़ी का पानी पीती थी, बहुत तकलीफ़ें थे। जब 2007 में सचिन महात्रे आए तो हम लोग को पानी का और बाथरूम का व्यवस्था किए। इसके बाद जब सचिन महात्रे ने हार गए तब से हम लोग के इतनी परेशानी है कि पानी के लिए हम लोग 2-2 बजे रात रोड पर डोल रहे हैं। अगर बोरिंग नहीं होती, हमारे सुदामा भैया, हमारे और सब जो लोग हैं बोरिंग कराए थे कि हम पानी के लिए जी रही हूँ। इसके बाद हमारे नाला में बाढ़ आए, हमारे बच्चे महिलाएं तक बढ़ गए, मीडिया वाले तक आए, मीडिया वाले हम लोग के निकाले, 5 साल कोई नगर से। अच्छा मैडम आप बताइए मुझे आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे मेन प्रॉब्लम है पानी। हम लोग यहाँ तो पानी का परेशानी है, इतने साल से हम लोग पानी के लिए रो रहे हैं। अगर यहाँ कोई बोरिंग नहीं होता तो हम लोग तो यहाँ एरिया छोड़ के जाना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा पानी का। सचिन महात्रे ने सुविधा एरिया में नगर सेवक सब आते हैं लेकिन सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन मेन पानी का प्रॉब्लम रही जाता है। अच्छा मैडम आप बताइए आप कितने साल से यहाँ पे रह रही है? मैं यहाँ कम से कम 25-27 साल से हूँ और 27 साल में आज तक कोई भी नगर सेवक ने काम नहीं किया सचिन महात्रे को छोड़ के। 2007 में जब सचिन महात्रे आए उन्होंने हमको रोड, बाथरूम और प्लस पानी, रेलवे कनेक्शन ट्रैक क्रॉस करके उसमें खोद के हमको पानी ला के दिए। हम लोग डबल माले पे पानी भरते थे। आज के डेट में हमको दूसरे के नल पे जाके लालजी होटल के आगे से पानी रात को 2-2, 3-3 बजे हमको लेके आना पड़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस आपस में भिड़े। हमने देखा कि किस तरह से लोगों की प्रक्रिया रही, किस तरह से लोगों की तकलीफें उन्होंने सामने रखी, किस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने काम किया है, सबूत देना चाहा, लेकिन लोगों ने कहा कि जो है ये नेता जो है आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि एक बार जब कोई इलेक्ट होकर आता है तो उसके बाद कुछ उसकी आगे जाँच नहीं होती है, कोई कुछ काम नहीं करता है। तो आइए आने वाले चुनाव में देखते हैं कि किस तरह से ये आगे की प्रक्रिया चलती है, किस तरह से कौन काम करता है, किस तरह से अपने वादे पूरे करते हैं। कैमरामैन अचल के साथ कुशल पाटिल, APN न्यूज़, मुंबई।